प्योरिटी एंड कन्वर्जेंस। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारी डिफ्लेक्टिंग होती है, जो तीन बीम्स होती हैं रेड ग्रीन और ब्लू, तीनों प्राइमरी कलर्स की, उसमें डिफ्लेक्शन होती है। तीनों बीम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल्स के थ्रू डिफ्लेक्ट करती हैं, और ये क्या होती हैं कि एंश्योर करती हैं कि एक प्योर कलर प्रोड्यूस हो। यानी कि जो तीन रास्टर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, कि उन पे जो तीनों कलर स्ट्राइक हो रहे हैं फॉस्फोरस स्क्रीन पे, तो एक प्योर कलर प्रोड्यूस हो। और कलर प्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए, जो बीम है, तीनों बीम्स जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाती हैं, वो एक ही पॉइंट जो कि स्क्रीन के सेंटर में स्ट्राइक होनी चाहिए, सेंटर में आनी चाहिए, जो फॉस्फोरस डॉट्स हैं उसके सेंटर में लोकेशन आनी चाहिए बीम की रास्टर पे। और इसमें एक अलाइनमेंट की जरूरत होती है जो कि कलर बीम होती हैं उसकी, ताकि वो एक पर्टिकुलर सर्कुलर मैग्नेट जो होता है वो असेंबली होती है उसमें, ताकि वो प्रॉपर वे में जाके स्ट्राइक हो और एक प्योर कलर जनरेट करें। और ये सब एक सर्कुलर मैग्नेट असेंबली की वजह से होता है, जिसे कि प्योरिटी मैग्नेट कहा जाता है। इसमें देखिए हर एक बीम जो कि सेंटर में स्ट्राइक होगी तभी एक प्रॉपर डिफ्लेक्शन भी होगी। अब देखिए जैसे कि हमारा सर्कुलर है, ये हमारे रिंग है, दो रिंग मैग्नेट की जिनके बीच में स्मॉल स्पेस है, ये हमारे दो पोल्स हैं नॉर्थ साउथ, और इसके अलावा ए और बी ये हैं हमारे टैब्स जो कि जो रोटेटिंग टैब्स होते हैं, मैग्नेट के साथ रोटेट करते हैं, रोटेट करने के लिए होते हैं। अगर ये दोनों टैब एक दूसरे के आपास हैं, ए और बी दोनों एक दूसरे के पास है, ए ये पोजीशन है, बी की ये पोजीशन है, तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी जब दोनों टैब्स एक दूसरे के पास होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। ये जो मैग्नेट होता है प्योरिटी मैग्नेट, ये ट्यूब की नेक पे ही योक डिफ्लेक्शन योक के पास लगाया जाता है, जो कि अलग अलग तरह से वर्क करता है, अलग अलग फ्लैट्स होते हैं। यानी कि जब हमारे ये जो टैब होते हैं ये मूव कर सकते हैं, तो इसके बीच में तीन बीम्स होंगी जो कि रेड ग्रीन और ब्लू की होंगी, ग्रीन बीम, रेड ग्रीन और ब्लू बीम, जो कि क्या करती हैं, ये मूव करेंगी आगे की तरफ। जब ये टैब्स एक दूसरे के पास होंगे तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा मान लीजिए कि हमारा एक टैब फिक्स है लेकिन जो बी है वो रोटेट कर जाए, इस तरह से रोटेट कर जाए, टैब मूव हो जाए अपार्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो रिड्यूस हो जाएगी। उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होता है, हो जाती है। इसके अलावा अगर ए और बी टैब्स दोनों ही मूव करें एक साथ, दोनों ही एक साथ मूव कर जाएं, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो बीम की डिफ्लेक्शन भी उसके साथ चेंज हो जाती है। अगर ये टैब मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो डिफ्लेक्शन होती है बीम की वो भी चेंज हो जाती है। ये 2, 4 और 6 पोल्स मैग्नेट यूनिट भी होती है जो कि हम अलग अलग से कैरी कर सकते हैं। इसमें देखिए जो भी प्रायोरिटी में इफेक्ट होता है और जो स्टैटिक कन्वर्जेंस होती है बीम की, वो अप या डाउन और राइट और लेफ्ट में जो डिफ्लेक्शन होती है वो डायगनली होती है, और इसमें प्रायोरिटी मैग्नेट सुटेबल ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दूसरा है योक की पोजीशन, जिसे कहेंगे योक पोजीशन। देखिए ये तो होगा टैब जब रोटेट करते हैं एक साथ तो क्या होगा, ये पोल्स भी चेंज होते हैं ना, तो इसकी इसी फील्ड में ये रोटेट कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन भी आती है। तो इसके अलावा दूसरा है योक पोजीशन,
जो पोजीशन होती है योक की वो ट्यूब की नेक पे होती है, ये क्या शो करती है? डिफ्लेक्शन सेंटर को, यानी कि जो बीम्स है वो सेंटर में जाए, जो भी बीम्स पास हो रही है वो सेंटर में, रास्टर के सेंटर में जाके स्ट्राइक हो। अगर इसकी सेटिंग गलत होती है तो प्योरिटी अच्छी नहीं होती, यानी कि अगर जो बीम है उनके एंगल बिगड़ जाएं, जिस एंगल से वो जा रही हैं वो खराब हो जाएं, इम्प्रॉपर हो जाएं, इसकी वजह से जो बीम है वो प्रॉपरली स्ट्राइक नहीं कर पाती, मास्क जो शेडो मास्क होता है उस पर नहीं जाती प्रॉपरली उसी वे में, तो जिस वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आ जाती है। जो डिफ्लेक्शन होती है वो जो योक फील्ड होगी उसकी वजह से आ जाती है, जिससे कि बीम प्रॉपर लैंड नहीं कर पाती स्क्रीन पे अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे। और जो योक की योक जो होती है वो मूव करती है नेक के साथ और इम्प्रूव करती है प्योरिटी को, कि प्योर रीजन प्रोड्यूस हो उसे इम्प्रूव करेगी उसे, यानी योक की पोजीशन ठीक होनी चाहिए उसके लिए, अदरवाइज क्या होगा कि पुअर प्रायोरिटी आएगी, क्योंकि बीम की अगर सेटिंग प्रॉपर नहीं है तो योक उसको प्रॉपर पोजीशन में लाने में हेल्प करेगी, ठीक है। और इस ये ही हमारा प्रॉपर जो प्योरिटी और योक पोजीशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे कन्वर्जेंस देखेंगे, किसी कन्वर्जेंस क्या होती है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं।